Hello everyone, welcome to Why Exam B. So in this video we are going to discuss about RBI Grade B 2022 form filling instructions. As it has been seen, dekha gaya hai ki kafi students ko, kafi aspirants ko problem aa raha hai form fill karne mein. Kisi ko thumb impression mein problem aa raha hai, kisi ko photo signature upload karne mein problem aa raha hai, saath saath kuch certificate se related kuch queries hain, work experience se related kuch queries hain. तो इन सभी क्वेरीज का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. इसके अलावा कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन आंसर दोस क्वेरीज आल्सो. राइट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस. लेट अस गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में कि प्रीरिक्विजिट्स में क्या क्या चीजें हैं, मतलब जो हमें फॉर्म फिल करने से पहले जब हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें ऑनलाइन, तो उससे पहले जो चीजें ध्यान रखनी है. अप्लाई करने का लिंक आपको पता ही है, वो जनरली आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें प्री रिक्विजाइट्स मतलब क्या क्या चीजें आपको पहले होनी चाहिए. तो सबसे पहले होनी चाहिए, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन, क्या क्या चीजें स्कैन करनी है. फोटोग्राफ इस हमारे डायमेंशन में होनी चाहिए, इस क्राइटेरिया में होनी चाहिए. 44.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो और उसकी जो ब्रेथ है वो 3.5 सेंटीमीटर. ये आप इजीली किसी भी टूल से क्रॉप करके आप बना सकते हैं. काफी सारे टूल्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी एक टूल है, इसके अलावा फोटोशॉप है. उसमें आप इसको सेट करके, जो भी क्रॉप का होता है उसको सेट करके, क्रॉप बॉक्स को सेट कर लीजिए 4.5 3.5 पे, उसके अकॉर्डिंग अपनी फोटो को क्रॉप कर लीजिए, तो वो आपका उस साइज में बन जाएगा. सिग्नेचर ये ब्लैक इंक से होना चाहिए. लेफ्ट थंब इंप्रेशन ये जो है इसका क्राइटेरिया काफी है, तो ये देख लीजिएगा आपकी व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए. व्हाइट पेपर होना चाहिए, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसका वो व्हाइट रहे, उसके ऊपर ब्लैक या ब्लू इंक थंब पैड पे आप अपना थंब प्रेस करके, और उसके बाद आप उसको पेस्ट करें उस व्हाइट पेपर पर, उसको फिर आपको स्कैन करना है. ठीक है, उसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, जो भी डिक्लेरेशन का फॉर्मेट जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर नीचे शो भी हो रहा है. ठीक है, आप इसको एक क्या कीजिए, आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से लिखिए. ये बॉल पेन आप यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा देखने में थोड़ा डार्क लगता है. ठीक है, जो भी इसकी डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पर हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन है कि आई नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे. हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसको आप एक पेपर पर लिखकर ब्लू ब्लैक पेन से, स्पेशली ब्लैक पेन यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो उसी पेन से आप लिखिएगा और इसको आप फिर अपलोड करेंगे. ठीक है, सिग्नेचर्स जो हो वो कैपिटल लेटर्स में ना हो, यानी कि आपकी जो रनिंग हैंड राइटिंग होती है उसमें ही आपको ये सिग्नेचर करने हैं. लेफ्ट थंब इंप्रेशन का बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से स्कैन होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, हेजी नहीं होना चाहिए, वो चीजें ध्यान रखनी है, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए. ठीक है, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट हैव, अगर इस कैंडिडेट का नहीं है लेफ्ट थंब, तो वो अपने राइट थंब को वहां पर, राइट थंब इंप्रेशन को वहां पर अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको इसमें बता दी है. इसके बाद बात करते हैं स्कैनिंग ऑफ फोटो अपलोडिंग, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, किस तरीके से अपलोड करना है. तो पहले बात करते थे कि फोटोग्राफ इमेज की, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर है. ये आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एडिटर होता है उसमें भी एडिट कर सकते हैं. जो क्रॉप बॉक्स होता है जिसे हम क्रॉप करते हैं, उस क्रॉप बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो ऊपर एक टैब में यहाँ पर एक डायमेंशन लिखा रहता है, तो उसमें आप 4.5 और 3.5 ऐसे फिल कर दीजिए, तो वो क्रॉप बॉक्स जो होगा उसकी एक डायमेंशन सेट हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपने फोटो को क्रॉप कर लीजिए, वो आपका उसी साइज में बन जाएगा. ठीक है, मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर, यानी कि कलर फोटोग्राफी अपलोड होना है, लाइट कलर, प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड, ये मतलब प्रेफर कर रहे हैं इसको. ऐसा जरूरी नहीं है कि यार फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में ही हो, लेकिन ये प्रेफर कर रहे हैं उसको. ठीक है, लुक स्ट्रेट टू द कैमरा वाइल विद अ रिलैक्स्ड फेस, मतलब जो भी आप फोटो वहां पर क्लिक कराते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होके और जो भी सामने देख के आपके फोटो होने चाहिए. ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं. डायमेंशन जो होनी चाहिए वो 200 पिक्सल्स की बात करें तो 200 इंटू 230 इस पिक्सल में आपको वो डायमेंशन रखनी है, और जो उसका साइज है, जो इमेज आप अपलोड करेंगे उसका जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए. ये भी आप उन्हीं सेम सॉफ्टवेयर से एडिट कर सकते हैं. ठीक है, रेड आई नहीं होनी चाहिए, कि पहले मोबाइल से फोटो अपलोड करके वो करते हैं तो उसमें रेड आई आ जाती है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए. ग्लासेस वगैरह, डार्क ग्लासेस, हैट, कैप्स, ये सब नहीं होनी चाहिए, जनरल सी बात है. ठीक है, नेक्स्ट सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, इसके बारे में बात करें तो एप्लीकेशन एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन. ये तो सिग्नेचर हो गया, व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करके उसको स्कैन करना है, देन उसको अपलोड करना है.
अगर थम इम्प्रेशन की बात करें तो लेफ्ट थम हमें अपना पुट करना है व्हाइट पेपर पर विद ब्लैक और ब्लू इंक, ब्लैक इंक पैड से भी या ब्लू इंक पैड से, किसी भी एक इंक पैड से व्हाइट पेपर पर अपना लेफ्ट थम लगाएंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे। ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा काफी स्टूडेंट्स को, काफी एस्पिरेंट्स को एक मैसेज शो हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा परेशान आप लोग हो रहे हैं। ठीक है, उसमें भी ज्यादा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। देखिए, अगर 100% का क्राइटेरिया मैच करता है तभी वो उसको ओके बताते हैं, अगर वो 99.9% भी रहता है तभी वो वहां पर एक आपको मैसेज फ्लैश कर रहे हैं जिसमें कि ये लिखा है कि आपका, अगर इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पाता आपके एक्चुअल से थंब से, तो आपका वहां पर कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 100% में ही ओके दिखाएगा, 99.9 में भी आपको वो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैसेज है तो वो आप पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, हेजी है, साफ साफ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो वहां पर जब उसको स्कैन करेंगे तब उनको वहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, इतना आप समझ पाएंगे देख के कि आपने ठीक अपलोड किया है कि नहीं किया है। एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेंट हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है आपको ब्लैक इंक से एक व्हाइट पेपर पर लिखकर उसको स्कैन करना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जनरल सी चीजें हैं, और ये सिग्नेचर जो है ये यूज होंगे कॉल लेटर पर हर जगह पर, तो आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं। फोटो का जो साइज है, जो इनका साइज है 140x260 इसका रहना चाहिए फोटोज का, और हैंड सॉरी जो हमारा सिग्नेचर अपलोड है इसका फोटो का मैंने आपको बता दिया 200x230 रहना चाहिए, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है हमारा उसका 50 KB 200 KB रहना चाहिए साइज। ठीक है, सिग्नेचर का 20 KB 10 KB 20 KB और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का 20 KB 50 KB ये हमारा साइज रहना चाहिए, इसी ज्यादा साइज नहीं जाना चाहिए वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिग्नेचर ये दोनों कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन करने हैं उनके लिए आप देख लीजिए 200 DPI डॉट्स पर नहीं चाहिए, पिक्सल जो है वो 200 वाले रहने चाहिए, ट्रू कलर होना चाहिए, फाइल साइज स्पेसिफिक जो भी बताया गया है वही फाइल साइज रैपर रहना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बातें, ये बातें हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से नेम है तो नेम को आप बिल्कुल सिंपल रखिए, ABCD करके कर दीजिए तो वो सिंपली यहां पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हर किसी के लिए सेपरेट यहां पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो स्टार्टिंग में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें नेम, मिडिल नेम और आपका फुल नेम, उसके अलावा फोन नंबर आपका मांगते हैं और ईमेल आईडी मांगते हैं, उसके बाद आपका सिग्नेचर और फोटो वाला कॉलम खुलता है। ठीक है, इसमें आप सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, उसके अलावा फिर आपको पूरी डिटेल्स के बाद लास्ट में फी पेमेंट से पहले, पेमेंट से जस्ट पहले आपको थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाला है ना, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाला आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां पर आपको वो अपलोड करना है। तो इनको थोड़ा देख के अपलोड करना है, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई भी आ जाए, और फॉर्म को फाइनली सबमिट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले लेफ्ट साइड में ऊपर व्यू व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, व्यू एप्लीकेशन का, आप उसमें जाकर अपना पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक भरा है या नहीं भरा। ठीक है, नेक्स्ट, ये वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, तो गाइस देखिए जो भी प्राइवेट सेक्टर में है उनको इतना बॉदर होने की जरूरत नहीं है, आप चाहे भर भी सकते हैं नहीं चाहे ना भरे कोई उससे हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए फिल करना मस्ट है, को फिल करना चाहिए। प्रेजेंटली वर्किंग में आप यस करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके पोस्ट है कब से लेके कब तक आपने काम करा, और रीजन ऑफ लिविंग यानी कि अगर आप एज रिलैक्सेशन अगर आप चाह रहे हैं ये उस केस में है ना, ये जो अभी एक्स सर्विस मैन जो हो जाते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वहां पर यहाँ पर आपको वो सब चीजें उनको फिल करके देनी, ये मस्ट है उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, बाकी प्राइवेट जॉब वालों के लिए मस्ट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब देखिए इसके अलावा जो भी ओबीसी रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिलेटेड जो भी क्वेरीज आ रही हैं, उसके अलावा कोई और जनरल क्वेरी है जो यहाँ पर कवर नहीं हो पाए तो आप सीधा सीधा आईबीपीएस से ही वो चीज पूछिए, तो आईबीपीएस ने यहाँ पर हेल्प फैसिलिटी दी है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, पेमेंट ऑफ फीस, इंटीमेशन चार्जेस और इन डाउनलोडिंग ऑफ एडमिशन लेटर, कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है तो आप इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये दिया गया है लिंक, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो ये लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा सीधा इस टैब पर पहुंच जाएंगे। ये आईबीपीएस का ही सपोर्ट सेंटर है, वेलकम टू कैंडिडेट ग्रेवियांस रेडरेसल सिस्टम, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा अपना जो भी क्वेरी है रजिस्टर न्यू कंप्लेंट में जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वहां पर आप जो भी आपको क्वेरी, जो भी आपको आंसर मिलेगा उसका स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको आंसर उनके जल्दी ही मिल जाएंगे और आईबीपीएस टाइमली ही उनके आंसर कर देते हैं। तो इस वीडियो में कोशिश की है कि सभी चीजें क्लियर हो जाए आपको थंब इंप्रेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आई होप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए,
इफ यू हैव एनी डाउट, स्टिल यू हैव एनी डाउट, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, वी विल ट्राई टू आंसर दोज डाउट्स, राइट? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग.